जी तो बच्चों, 2024 में एक क्वेश्चन आया, राइट टू कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को लगती है, एक ऐसा वायरस है जो व्हाइट ब्लड सेल्स को लगता है। इस वायरस का क्या नाम है? इस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आखिर ये हमारी बॉडी में मुंतकिल कैसे होता है? ये हमारी बॉडी में आ कैसे जाता है? यानी कि दो वजूहात बतानी है हमने, कैसे स्प्रेड करता है ये लिखा हुआ है। इट स्प्रेड्स थ्रू दी ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड। आप किसी से खून ले रहे हैं, उस दूसरे बंदे को एड्स है, आपको भी हो सकता है। और सीमन, समटाइम्स हम ब्लड नहीं लेते, सीमन लेते हैं, सीमन से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सीमन क्या होता है थोड़ा सा कमेंट करके भी बताएं। लेकिन क्या और भी कोई वजह है? जी हाँ, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़। जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए भी मसला है। इसके अलावा अगर आप कुछ नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो नशा करते हैं, उनके पास इंजेक्शन होते हैं, वो इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं। और याद रखिएगा, जो नाइयों के पास ब्लेड होता है वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो पहला फर्द शेव करवा के, जो बाल कटवा के गया था, हो सकता है उसको एड्स हो, और वही अगर ब्लेड आपकी बॉडी पे लगे तो कट्स के अंदर वो एड्स का वायरस आपकी बॉडी में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड से भी आपको एड्स हो सकते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहरहाल टू कॉजेज़ बतानी थी, तो इसमें आप लिख सकते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं, आप ये दो लिख सकते हैं। तो ये मेन कॉजेज यही हैं। अगर आप ये सेंटेंस लिख देंगे तो इस सवाल का बेहतरीन आंसर बन जाएगा। एंड आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझाया। प्यारे बच्चों, ये सवाल चैप्टर नंबर 14 से किया गया, रिप्रोडक्शन नाम है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर से अमूमन दो शॉर्ट क्वेश्चंस हर साल बोर्ड में आते हैं, और ये सवाल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दफ़ा उन्होंने तो सिर्फ कॉजेस पूछे, आपसे नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Academy।